मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादक किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन की वजह से बाजार की अनुपलब्धता से जूझ रहे लीची उत्पादकों की रही सही कसर समुद्री तूफान यास ने खत्म कर दी है। तूफान की वजह से पिछले 36 घंटे से लगातार हुई बारिश और तेज हवाओं के थपेड़ों ने लीची की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। आंधी पानी की वजह से पके लीची के फलों की तुड़ाई नहीं हो पाई है। ऐसे में तूफान की वजह से पेड़ों पर लगे लीची के फल पिछले 2 दिनों में काफी हद तक बर्बाद हो गए हैं। वहीं अभी तक खराब मौसम के मद्देनजर किसान किसी भी तरह पेड़ पर बचे हुए शाही लीची के फलों को किसी तरह तुड़ाई कराकर बाजार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तूफान से लीची के फल को हुए नुकसान से ने किसानों की कमर तोड़ करके रख दी है। लीची में बारिश के बाद क्या हुआ है? लीची जैसे चू रहा है। हाँ, चू रहा है, अब बढ़िया से चू रहा है, पथार पड़ गया। अब विशेष क्या कहे, अब इसके बाद अगर बारिश होता है तो लोग तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लीची पूरा बर्बाद, मतलब हाँ, लीची बर्बाद हुआ है, बर्बाद बारिश से बर्बाद। पहले लॉकडाउन और फिर अब ये, और लॉकडाउन में तो ऐसे बिक्री है ये नहीं है, बिक्री भी खत्म हो गया। आज जैसे ऐसे देखना रहे बारिश से, जैसे उससे भी नुकसान हुआ है। इस बार दोहरी मार में दोहरी मार लगा लॉकडाउन, लॉकडाउन उसका पानी हो गया। उसमें पानी के अलावा भी झक्कर जो है ना, तूफान जो है वो ज्यादा नुकसान किया।